how and when a stop loss is applied? ओके ये ऐसा सवाल है कि हाउ एंड वेन शुड ब्रेक लाइक यूज अवर ब्रेक इन कार्स. इन शॉर्ट, कार में आपको ब्रेक कब लगाना है? ब्रेक तभी लगाना है जब आपको रिस्क लगता है, बट ब्रेक हमेशा कार में आपको यूज करना ही करना है. इन शॉर्ट, यू कैन नॉट थिंक कि मैं आज ड्राइविंग करूंगा और बिना ब्रेक के करूंगा. सो अगर बिना ब्रेक के ड्राइविंग करेंगे तो आपका एक्सीडेंट होना ही पक्का है, और उसमें या तो आपकी गाड़ी के नुकसान हो जाएगा, या तो आप खुद भी इंजरी हो सकती है, या इट कैन बी बिगेस्ट बिगर डिजास्टर. सो स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉप लॉस अप्लाई करना ही है हर एक ट्रेड में. वो हाउ और वेन होता ही नहीं, आपको अप्लाई कंपलसरी करना है. बट अगर आपका स्टॉप लॉस दूर है तो आप अपने दिमाग में वो स्टॉप लॉस रखिए, और व्हेन इट इज नियर बाय, सो प्लीज डोंट पुट अप इन योर माइंड. बिकॉज अगर आप अपने माइंड में पुट करेंगे तो आप उसको रियल जब हीट होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाती है उस टाइम. तो जब आपके पास में आता है 20-25 पॉइंट, या आपके 5 पॉइंट या वॉट एवर, अगर बड़ा स्टॉक है, अगर निफ्टी है तो उसमें 20-25 पॉइंट नजदीक है आपका स्टॉप लॉस, तब पुट कर लीजिए. छोटा स्टॉक है तो उसमें 1-2 रुपए के नजदीक में पुट कर लीजिए, बट स्टॉप लॉस सिस्टम में पुट करना बहुत जरूरी है. फिर भले ही वो हीट होके एक बार वापस चला जाए, आप सोचेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस हीट करके वापस चला जाता है, बट ऐसा आपको बहुत कम बार होगा कि आपने स्टॉप लॉस पुट किया. बट काफी बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपका स्टॉप लॉस हीट करके और स्टॉक 25% नीचे गिर गया. तो आप वो सोचिए कि 25% या 30% गिर जाता अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाता, तो आपकी कैपिटल का क्या होता? आप आपका कैपिटल पूरा लॉस कर देते, 70% लॉस कर देते. सो डोंट थिंक लाइक दैट कि मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ और मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस खाने आता है. ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता होता. ये थोड़ा मीथ है स्टॉक मार्केट में. आप जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, नो वन नोज दैट दिस इज योर स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में दो ही ऑर्डर लगते हैं, बाइंग और सेलिंग ऑर्डर. सो सामने वालों को यही दिखता है कि भाई 1 लाख सेलिंग ऑर्डर है, 2 लाख बाइंग ऑर्डर है. सो ये मीथ है कि कोई आपके स्टॉप लॉस देख लेता है. मैं काफी सारे ट्रेडर्स के काफी बार सवाल सुनता हूँ, यार मैं स्टॉप लॉस तो मेरा ही स्टॉप लॉस खाने को मार्केट आता है. सो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे आता है, मार्केट को नीचे आना होता है. सो काफी हो जाता है रेयरली कि आपका आपका ही स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट ऊपर चला जाता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही आया था. सो प्लीज ऐसे कभी मिथ्स में फंसिएगा मत. बहुत बहुत बढ़िया आंसर, ये तो काफी अच्छा था. एक और